दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक नई सीरीज के साथ आपके सामने में दोबारा हाजिर हूँ। आपको याद होगा मैंने एक सीरीज बनाई थी सफलता की कहानी, सफल लोगों की जुबानी। उसी सीरीज में अगली कड़ी में मैं आपका तारुफ कराता हूँ मिस्टर रूप सिंह जी से। आप फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं। रूप सिंह जी आपका स्वागत है यहाँ पर। आज हम इनसे पूछेंगे कि लोन कैसे लिया जाता है, लोन के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। लोन कैसे लिया जाता है, लोन कहाँ से मिलता है, किस तरह के लोगों को लोन मिलता है और उसका क्या प्रोफाइल होना चाहिए। फिर हम आगे की सीरीज में इनसे हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रूप सिंह जी आपका स्वागत है। आप हमें पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि लोन एक्चुअली में होता क्या है और ये क्यों लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, देखिए लोन का आशय आवश्यकता से है जो किसी से मांगा या लिया जाता है और जिसके भुगतान की एक निश्चित अवधि होती है। अब अपनी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु लोन दिया जाता है। अब चाहे आप मकान जो ले रहे हैं, दुकान या एजुकेशन के लिए और भी बहुत सारी जो आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति हेतु लोन जो लिया जाता है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि ये लोन जो लिया जाता है तो लोन लेने के लिए क्या क्या अर्हताएँ होनी चाहिए, यानी क्या क्या होनी चाहिए आदमी के अंदर क्वालिटी। कैसे लोगों को लोन मिलता है, मतलब उनको पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, कैसे लोन मिलना चाहिए। एक्चुअली में आप दर्शकों को पूरी बात बताएं और लोन किस तरह के होते हैं कृपया ये भी बताएं। देखिए लोन जो कई प्रकार के होते हैं जिसमें पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन और मॉर्गेज लोन। तो बाकी यह है कि हर इंसान अपनी आवश्यकता के हिसाब से मतलब जो उसमें अप्लाई जो कर सकता है। इसके लिए जो ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सबसे पहले आपका एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और 1 साल की बैंकिंग, 3 साल के ITR। ये अगर यह है कि जो पर्सन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई में उनके लिए फॉर्म जो 16 जो 3 साल के और 3 महीने की जो पे स्लिप। अच्छा, यदि प्राइवेट हो तो क्या होता है, इनका कोई अपना बिजनेस हो या कोई दुकान हो, उनको लोन चाहिए हो तो उनके लिए क्या एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कैसे। नहीं, बाकी जैसे कोई जो बिजनेस जो कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले फर्म का रजिस्ट्रेशन जो होना जो चाहिए, बाकी और तो सारे जो डॉक्यूमेंट यही हैं। बस साथ में इनके जो को एप्लीकेंट के अच्छा। को एप्लीकेंट में वाइफ हो सकती हैं, उनके जो पैन कार्ड और आधार कार्ड की जो ज़रूरत होती है। अच्छा, ये हाउसिंग लोन होता है और ये बिजनेस लोन में क्या डिफरेंस है, मतलब और इसके लिए क्या अलग अलग कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। नहीं, हाउसिंग लोन में ये है कि जो आप जो अपना जो भी प्रॉपर्टी या मकान जो परचेज जो कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और बाकी बिजनेस के लिए तो बता ही चुका हूँ मैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन मस्ट जो होता है। अच्छा रूप सिंह जी, ये बताएं कि ये जो लोन होता है इसकी कोई सीमा होती है कि कितना किस व्यक्ति को कितना मिलेगा या क्या किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये कैसे तय करता है, क्या ये आप तय करते हैं या वो मांगने वाला तय करता है कि मुझे इतना चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो क्या पूरा 10 लाख मिल जाता है उसे, या मतलब कुछ आप लोग या कंपनी जो है बैंक है वो तय करती है खुद। देखिए ये सब कुछ जो प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अब बैंक जो देखती है कि पर्सन कितना तक किस्त के रूप में जो पैसा जो निकाल सकता है उसी के अकॉर्डिंग उसे जो फाइनेंस जो किया जाता है। अच्छा अच्छा रूप सिंह जी, ये बताइए आप कि जो ये लोन है तो ये लोन कितने समय के लिए मिलता है, या ऐसा है कि सरकारी बैंकों का सिस्टम अलग होता है या प्राइवेट बैंकों का सिस्टम अलग होता है, ये क्या होता है और ये मैक्सिमम किस अवधि तक के लिए मिल सकता है, ये बताएं। देखिए ये आपका जो 24 महीने से लेके बाकी यानी जो 2 साल से लेके और 15 साल, 20 साल, 25 साल तक, 25 साल जैसा भी आप जो लेना चाहें वो आपको जो मिल जाएगा। तो इसमें मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन होता है वो कौन सा, पर्सनल लोन होता है या ये भी बिजनेस लोन भी होता है। नहीं, पर्सनल लोन जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बाकी ये है कि बिजनेस लोन भी हम जो शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। अच्छा अच्छा और हाउसिंग लोन का कम से कम 5 साल शायद मैंने जहाँ तक सुना है, ऐसा कुछ है, क्योंकि लोन अमाउंट जो ज़्यादा होता है तो मिनिमम यह है कि 5 साल में यह है क्या कि आपकी EMI जो ज़्यादा बनेगी तो इसलिए उसे जो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं
तो उसमें 5 साल 10 साल 15 साल आप अपनी सहूलियत के हिसाब से दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे एडवाइज़र मिस्टर रूप सिंह जी, आगे इनसे और लोन के बारे में और इंश्योरेंस के बारे में और हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद रूप सिंह जी, थैंक यू।